क्या तुम मेरी गाना सुनना चाहते हो डूडू? बताओ। नहीं बोबो, अब मैं कोई भी गाना सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें दिख रही है ना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं अब गाना नहीं सुनूंगा बोबो। प्लीज डूडू, प्लीज मेरे लिए एक गाना तो सुन ही सकते हो तुम। प्लीज डूडू सुन लो ना, प्लीज। ठीक है तो फिर करो। कब वो दिन आएगा जब हम भी मंदिर लगवाएंगे, न जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। रुको बुबू, क्या हुआ डूडू? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या मैंने बहुत बुरा गाई है? बूबू, तुम ये गाना क्यों कर रही हो? तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम गाना कर रहे हो कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे। तुम्हारा ऑलरेडी मेहंदी लग चुकी है, तुम तो शादीशुदा हो। इसका मतलब जरूर तुम्हारे दूसरे लड़के से चक्कर चल रही है। अरे डोडू, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? ये गाना तो मेरा पसंद की है, इसलिए मैंने ये गाना करी। और तुम क्या पागल हो गए हो? मैं दूसरे लड़के के साथ क्यों चक्कर चलाऊंगी? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मैं दूसरे लड़के के साथ चक्कर नहीं चला रही हूँ। चुप हो जा तू, मैं तुझसे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, समझ गई है? और तू दूसरे लड़कों को पसंद करती है, इसलिए तू ये गाना कर रही है कि कब दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे। एक बार शादी हो चुका है फिर भी ये सब गाना कर रही है। चले जा तू यहाँ से। मैं बहुत टाइम से तेरा उल्टा सीधा बात सुन रही हूँ। अब मुझे लगता है कि तुझे पिटाई देनी पड़ेगी, तब तेरे अकल आएगा। रुक जा डूडू के बच्चे, अभी तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। ये ले डूडू के बच्चे, ये ले। तू मुझे बिना वजह के शक करेगा, ये ले, ये ले। यू बूबू, एक तो तू उल्टा सीधा गाना गाती है और ऊपर से मुझे ही पिटाई कर रही है। रुक, अब मैं भी तुझे मजा चखाऊंगा। ये ले बूबू के बच्चे, ये ले। अरे डूडू, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे बिना वजह के पीट रहे हो। मुझे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। ये ले, ये ले, तू तो मुझे भी पिटाई की है, ये ले। अब मैं तेरी पिटाई करूंगी, ये ले बूबू, ये ले। हाँ चली जा बूबू तू यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तू जैसे लड़के की शक्ल देखने की। डूडू ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी वो मेरी पिटाई की है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। मैं डूडू को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या वो सच में मुझसे कभी बात नहीं करेगा? उससे पहले सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आज मेरी कोई भी गलती नहीं थी। आज डूडू ने मेरे ऊपर बेवजह ही चिल्ला रहे थे। मुझे लग रहा है कि बूबू की कोई भी गलती नहीं है। मैं बेवजह ही बूबू को बहुत पीटा हूँ और उसके ऊपर गुस्सा किया हूँ। मुझे बूबू को सॉरी बोलना चाहिए। बूबू, आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। तुम मुझे माफ कर दोगे ना मेरे बेबी? मुझे तुम्हें ऐसे पीटना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो ना बेबी, माफ करोगे मुझे? हाँ डूडू, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, अब मुझे किसी दो। मेरे प्यारे बुबू, अब मुझे गाना गा के सुना। तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। वाह बुबू, तुम तो बहुत ही अच्छे गाना गाती हो। मेरे
मेरे प्यारे बब, थैंक यू सो मच जोजो। हेलो गाइस, होप कि वीडियो तुम सबको बहुत ही पसंद आई है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करो, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।